हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश बायो एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग, इंग्लिश में बोले तो हेल्थ एंड डिजीजेस। ये बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? स्वास्थ्य एवं रोग, इंग्लिश में बोले तो हेल्थ एंड डिजीजेस। देखो यार, बेसिक डिफरेंस समझना होगा हमें कि हेल्थ और डिजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। हेल्थ किसको बोलते हैं, डिजीज किसको बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछे कि स्वास्थ्य किसको बोलते हैं तो तुम क्या बोलोगे? स्वास्थ्य तुम क्या उसको बोलोगे जो कि कोई फिजिकली बहुत हेल्दी हो? फिजिकली बोलने का मतलब क्या है? दैहिक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे? तुम उसको ये बोलोगे कि हेल्थ शरीर की, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे होते हैं। हाथ भी तुम्हारा काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, मतलब शरीर के एक एक अंग अपने सामान्य अवस्था में सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं, तथा और क्या, बाहरी वातावरण से उनका संतुलन बना हुआ है। मैंने क्या बोला कि जितने भी अंग हैं वो क्या है, सामान्य रूप से काम कर रहे हो। और मज़े की बात क्या कि जो बाहरी इन्वायरमेंट है, बाहर का वातावरण है, उसके साथ इनका संतुलन अच्छा होना चाहिए। क्या कि संतुलन बाहरी वातावरण से सामान्य होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि संतुलन बाहरी वातावरण से अच्छा होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं यार, स्वास्थ्य बोलते हैं। देखो हर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य एक जैसा नहीं हो सकता, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य एक जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोई ज़्यादा फिट है, कोई कम फिट है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मतलब कि सबका हेल्थ, सबका स्वास्थ्य अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकली, कोई दैहिक रूप से अगर ठीक है तो तुम उसको बोल दो क्या कि वो पर्सन एकदम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम किसको बोलोगे, किसको बोलोगे कि एकदम स्वास्थ्य है? तो मैं बताता हूँ तुम्हें किसको बोलोगे कि वो व्यक्ति एकदम स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। क्या बोलोगे कि जो दैहिक रूप से, किस रूप से, दैहिक रूप से भी ठीक है और क्या, मानसिक रूप से भी ठीक है। कैसे? मानसिक रूप से भी ठीक है और क्या बोल सकते हो यार कि सामाजिक रूप से भी ठीक है, सामाजिक। तो कैसे व्यक्ति को तुम बोलोगे कि वो स्वस्थ है? तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है उसके पास, तुम क्या बोलोगे कि वो व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं है। दैहिक बोले तो फिजिकली, मानसिक बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं मेंटली, और सामाजिक बोले तो सोशली। ये तीनों क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी यार, हेल्थ की, नोट कर लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब मैं बात करूँगा किसके बारे में कि रोग किसे कहते हैं, स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तुम्हें पता चल गया ना कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से, दैहिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अगर वो सामान्य दशा में है, ठीक तरीके से है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, स्वस्थ है। किसी एक, अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग है ना, अगर कोई दैहिक रूप से स्ट्रांग है, तो तुम उसको क्या है, स्वस्थ नहीं बोल सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं कि रोग क्या, रोग किसको बोलोगे। रोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डिजीज बोलते हैं। रोग किसको बोलते हैं? तो देखो
कब तुम बोलोगे कि कोई व्यक्ति फिट नहीं है, कब तुम बोलोगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो रोग वह दशा है शरीर का, रोग वह दशा है शरीर का जहां पे शरीर का कोई भी अगर एक अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, मतलब कि शरीर के किसी भी पार्ट में सामान्य प्रकार में कोई गतिरोध आ जाए, कोई गतिरोध आ जाए, कोई बैरियर उत्पन्न हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डिफेक्ट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोग बोलेंगे। हिंदी में क्या डिफिनीशन क्या लिखती है एनसीईआरटी कि यह वह दशा है जब शरीर या इसके किसी भी अंग सामान्य प्रकार में कोई प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अब ये प्रतिरोध बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, रोगाणु हो सकते हैं, या फिर कोई दैहिक अवस्था के वजह से हो सकता है, या फिर शरीर का मानसिक दशा के वजह से हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिजीज़ को होने के लिए। ठीक, ऐसा कोई एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है या प्रोटोजोवा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, रोगाणु हो सकते हैं, रोगजनक हो सकते हैं। रोगाणु किसको बोलते हैं, जर्म्स को, और रोगजनक किसको बोलते हैं, पैथोजन्स को। ठीक है, तो डिजीज को क्या बोलेंगे यार, कि कोई भी प्रतिरोध अगर आ जाए, कोई प्रतिरोध आ जाए कहाँ पे, हमारे बॉडी में, वो प्रतिरोध क्या है, रोगाणु से भी हो सकता है, शरीर के क्रियात्मक या मानसिक दशा के वजह से हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रोगाणु के बारे में, किसके बारे में, रोगाणु या फिर किसके बारे में, रोगजनक के बारे में, रोगाणु या फिर रोगजनक के बारे में। रोगाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, जर्म्स बोलते हैं, और रोगजनक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैथोजन्स, क्या बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये रोगाणु क्या है। देखो, अनेक रोग, अनेक डिजीज हमारे बॉडी में होते हैं, वो चाहे वायरस के वजह से हो सकता है, वो चाहे कवक के वजह से हो सकता है, वो चाहे प्रोटोजोन्स के वजह से हो सकता है, वो चाहे हेलमिंथ के वजह से हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड से, बहुत सारे टाइप से, जिसके वजह से क्या है, हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न हो सकता है। तो हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, रोगजनक। क्या क्या बोलते हैं, रोगजनक किसको बोलते हैं, कि हमारे बॉडी में, चौक छोटा हो गया यार, हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करने वाले, हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करने वाले, हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, रोगजनक। क्या बोलते हैं, रोगजनक। तो कोई तुमसे पूछे कि पैथोजन्स किसको बोलते हैं, रोगजनक किसको बोलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, कि वैसे जीव जो हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यार, रोगजनक बोलते हैं। एक लुईस पाश्चर साहब थे जिन्होंने इस रोगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने, लुईस पाश्चर साहब ने, किसने, लुईस पाश्चर साहब ने। कोई पूछेगा कि रोगों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, क्या पूछेगा तो एक उनसे कि रोगों का सिद्धांत कौन प्रस्तुत किया, तो तुम किसका नाम लोगे, तुम नाम लोगे लुईस पाश्चर साहब का। फिर उसके बाद कौन आया, रॉबर्ट कोच साहब आए। उसके बाद कौन आया, रॉबर्ट कोच साहब आए, कब, 1876 में। कौन आया, रॉबर्ट कोच साहब आए 1876 में। रॉबर्ट कोच साहब आए 1876 में, और इन्होंने क्या किया कि एंथ्रेक्स एक छिड़काव किया गया था, उससे मरने वाले पशुओं के शरीर में छड़ के समान जीवाणु को देखा। रॉबर्ट कोच साहब ने 1876 में क्या देखा कि एंथ्रेक्स से मरने वाले पशुओं के शरीर में छड़ के समान, जैसे ये हमारा चौक, कुछ इस शेप का छड़ के समान जीवाणुओं को देखा। छड़ के समान जीवाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसको नोट करेंगे, मैं मिटा के लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। मैं फिर से लिखूंगा इसको, क्या बोलते हैं, कौन आया, रॉबर्ट कोच साहब आए। कौन आया, रॉबर्ट कोच साहब, कब, 1876 में।
1876 में उन्होंने क्या देखा कि जो भी एंथ्रेक्स के वजह से पशु मर रहे थे, उनके अंदर छड़ के समान जीवाणु थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया थे। इसके अनुसार एंथ्रेक्स रोग क्या है, जीवाणु से होते हैं। तो इसे क्या पता चल गया कि बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होता है। तो कोई आपसे पूछे कि एंथ्रेक्स किसके वजह से होता है, तो आप क्या बोलोगे कि बैक्टीरिया के वजह से ये एंथ्रेक्स बीमारी होती है। फिर क्या है कि उनके बहुत सारे लक्षण भी प्राप्त किए गए। अब इतना नोट करने के बाद हम किसके बारे में बात करने वाले हैं यार, टाइप्स ऑफ डिजीज। रोग के कितने प्रकार होते हैं, नोट करेंगे इसको। देखो यार, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रोग होते हैं यार? दो प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग वो होता है जो कि कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब जन्मजात रोग। एक होता है जन्मजात रोग, पैदा होते ही वो रोग होता है, जन्मजात रोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज। और एक होता है उपार्जित रोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। क्या है ये रोग? जन्म के बाद होता है। दूसरा क्या है हमारा? उपार्जित रोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर्ड डिजीज। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? ये जो, इसको एक और नाम देते हैं यार, जन्मजात रोग के साथ साथ अनुवांशिक रोग। क्या नाम देते हैं? अनुवांशिक रोग। इसको और एक नाम क्या देते हैं हम? अनुवांशिक रोग। इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटरी डिजीज। क्या? हेरिडिटरी डिजीज। ठीक, तो दो नाम हो गया इसका, क्या क्या? अनुवांशिक रोग, या फिर क्या बोलते हैं इसको? जन्मजात रोग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रोग मनुष्य में जन्म होते ही होते हैं। क्या? ये रोग जन्म से ही होते हैं मनुष्य के अंदर। जब भी कोई बेबी, कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये रोग उसके जन्म होते ही होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग। ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? वसागत होते रहते हैं, मतलब कि ट्रांसफर होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वसागत होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अनुवांशिक रोग भी बोलते हैं। देखो यार, नाम के पीछे भी लॉजिक है ना। जन्मजात रोग क्यों बोला गया? क्योंकि ये जन्म होते ही डिजीज होता है। और इसको अनुवांशिक क्यों बोला गया? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या हो रहा है? वशागत हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? अनुवांशिक, या फिर क्या बोलते हैं इसको? हेरेडिटरी डिजीज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। ठीक, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है यार? एल्बिनिज्म, अल्केप्टोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है। सिंपल सी बात, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, मैं लिख रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस, एल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ये सारे कौन से देखो ये जो डिजीज है ना, जैसे इनका इंग्लिश में नाम है, वैसा इनका नाम हिंदी में भी होता है। एक और डिजीज यार, फेमस डिजीज, जो तुम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, क्या? सिकल सेल अनीमिया। क्या? सिकल सेल अनीमिया।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर सारे डिजीज के बारे में बताएगा। मास्टर यहाँ पर डिजीज के बारे में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये बताऊंगा मैं कहाँ पे, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो वहां पे बताऊंगा प्रिंसिपल इनहेरिटेंस कौन सा, चैप्टर नंबर जब 5 में पढ़ा रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 5, उस टाइम पे मैं ये बातें आपको इन सारी डिजीज के बारे में बताऊंगा। अभी मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जन्मजात रोग और उपार्जित रोग में अंतर क्या है। तो ये अंतर समझ में आ गया। अब उपार्जित रोग किसको बोलते हैं, कि वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। ये क्या है? जन्म के बाद ऐसे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग बोलते हैं। अब ये उपार्जित रोग जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है संक्रामक या फिर संचरणीय रोग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है ये? दो तरह का। एक होता है कम्युनिकेबल, क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस कम्युनिकेबल को हिंदी में एक और नाम देते हैं यार कम्युनिकेबल को, और हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में, कि इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे। इसका एग्जांपल यार देख लो, अगर इसका मोटा मोटी एग्जांपल देखना चाहो तो क्या हो सकता है यार? कैंसर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, साइफिलिस हो सकता है, एड्स हो सकता है। उपार्जित रोग का अगर तुम एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो, मैं दे रहा हूँ एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, साइफिलिस, गोनोरिया, बहुत सारे डिजीज इसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जन्म के बाद किसी कारणवश, वो कारण बैक्टीरिया हो सकता है, वो कारण वायरस हो सकता है, वो कारण प्रोटोजोन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इतना नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, उपार्जित रोग के टाइप कितने हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो अब हम देखेंगे उपार्जित रोग का पहला टाइप। देखो यार, ये जो दोनों टाइप है ना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संक्रामक और असंक्रामक, या फिर संचरणीय या फिर असंचरणीय, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, संक्रामक या फिर उसको क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग। पहले किसके बारे में बात करने वाला हूँ, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। या फिर इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस के अलावा कम्युनिकेबल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संचरणीय, संचरणीय रोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, और इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेबल, ठीक है। ठीक है, इतना बात। चौक थोड़ा लंबा ले लेता हूं यार। अब बात करते हैं कि ये डिजीज क्या होते हैं। तो ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। मान लो कि तुमको, मे को नहीं, तुमको मान लो कोई बीमारी है, आजकल कोरोना चल रहा है, सपोज तुमको कोरोना हो गया है। ऐसा होगा नहीं, मैं बस सपोज कर रहा हूँ कि सपोज तुमको कोरोना है, हाँ जो तुम देख रहे हो वीडियो, तुमको कोरोना है। दिल से नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो तुमको कोरोना है ना, अगर मैं तुम्हारे संपर्क में जाऊँगा, मैं हेल्दी हूँ, बेसिकली मैं क्या हूँ? बहुत हेल्दी हूँ, और तुम क्या हो? इन्फेक्शियस हो। तो मैं जब तुमसे मिलूँगा ना, जब हमारा मिलन होगा, जब मैं तुमसे मिलूँगा, या फिर कोई चीज़ तुम्हारा यूज़ किया हुआ मैं एक्सचेंज करके यूज़ करूँगा ना, तो मेरे अंदर भी उस बैक्टीरिया, उस प्रोटोजोन्स, उस बीमारी के एजेंट्स की आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से, कैसा व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है, उसको वो बीमारी है, उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? कि एक ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, एक ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल फैल
क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते हिंदी का आदत नहीं है में फैलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं यार, इसको हम क्या बोलते हैं, संचरणीय, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इन्फेक्शियस बोले तो संक्रामक बोलते हैं। ठीक, देखो ये रोग जो विभिन्न वाहकों जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोवा, कवक, क्रिमियों आदि के द्वारा फैलते हैं। मैंने शुरू में बोला इंग्लिश में बोले तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स जो भी हैं, ठीक है, इनके तरफ फैलते हैं। और इन रोग वाहकों को हम क्या बोल रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं कि वैसे जीव जो हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो पैथोजन बोलते हैं। अब इन रोगों में प्रमुख रोग कौन सा है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, मलेरिया, सिफिलिस, एड्स, यक्षमा, गोनोरिया आदि, ये तरह तरह के मैंने जो एग्जाम्पल में लिखा था ना तुम्हारे लिए, वो सारे डिजीज जो है कौन कौन से, फ्लू, मलेरिया, सिफिलिस, ठीक है, और क्या, टाइफाइड ले लो, यार हिंदी में लिखने मजा नहीं आता, टाइफाइड, ठीक, ये सारे हैं, समझ में आया। अब ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, ये जो संक्रमण हो रहा है, ये इनका रिजर्वोयर कहाँ पे, ये सारे कहाँ पे रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई, देखो हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, और ये जो सारे के सारे जीवाणु हैं जो संक्रमण करने वाले, ये कहाँ पे, किसी ना किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका रिजर्वोयर कहाँ पे है, तो ये सामान्य रूप से कहाँ पे रहते हैं यार, जल में, बॉडी की बाहर की बात करें, बॉडी के बाहर की बात करें तो बॉडी के अंदर बेसिकली ये सब कहाँ पे होते पता है तुमको, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन, रोग उत्पन्न करने वाले, लेकिन हमारे बॉडी के बाहर ये सारे संक्रमण करने वाले जो जीवाणु हैं या फिर जो प्रोटोजोन्स है या फिर जो बैक्टीरियाज वगैरह जो भी है, ये कहाँ पे रहते हैं, तो जल में, वायु में, किसी दूसरे जंतु में, मृदा में, बोले तो एयर, वाटर, डेड बॉडीज, एनिमल्स, ठीक है, इन सब के पास ही क्या रहते हैं, ये रिजर्वर है इन सब चीज़ का। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था ना कि जो भी जिनके वजह से हमें रोग हो रहा है वो रहते कहाँ पे, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मलेरिया का नाम लो यार, क्या बोलते हैं कि कहीं पे पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, तो कहीं पे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे क्या है, मच्छर पैदा होंगे, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमें मलेरिया हो सकता है, तो इसीलिए अपने आसपास क्या है, सफाई रखना चाहिए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि संक्रामक रोगों का संचारण कैसे होता है, आखिर ये कैसे फैलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि संक्रामक रोगों का संचारण कैसे होता है, संचारण कैसे होता है। तो कॉपी में हेडिंग देंगे क्या, कि संक्रामक रोगों का संचारण कैसे होता है, कॉपी में हेडिंग क्या देना है, कि संक्रामक रोगों का संचारण कैसे होता है, हेडिंग देंगे, फिर आगे हम मिटा के लिखते हैं इसको। तो यार अब बात करते हैं कि ये जो संचारण है संक्रामक रोगों का, ये कैसे कैसे होता है, मतलब ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष संक्रमण, बोले तो डायरेक्ट इन्फेक्शन, डायरेक्ट संक्रमण का संपर्क होने से क्या मतलब है यार, कि इससे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं लिख के बोलता हूँ आपको कि डायरेक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है, किसका मतलब, डायरेक्ट इन्फेक्शन। देखो ये हमारा पहला लेक्चर है, हम बस बेसिक बात करेंगे आज डिजीज के बारे में, अगले लेक्चर से मैं एक टेबल के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि प्रत्यक्ष संक्रमण, डायरेक्ट इन्फेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, प्रत्यक्ष संक्रमण, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष संक्रमण, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट इन्फेक्शन। अब ये डायरेक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, पहला मेथड क्या हो सकता है, संपर्क द्वारा, बोले तो बाय कॉन्टेक्ट, किसी के कॉन्टेक्ट में आ गए, कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके कॉन्टेक्ट में कौन आ गया, संक्रमित व्यक्ति होगा ना डिजीज, क्या मैंने बोला कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में कोई कौन सा आ गया, संक्रमित व्यक्ति,
तो उससे हो सकता है। तो पहला मेथड क्या होगा, पहला क्या होगा, संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा बोले तो क्या, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बोले तो बाई कॉन्टेक्ट। यार ये मात्रा यहाँ पे शायद होता है यार, थोड़ा मेरा मात्रा का ना प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा संभाल लेना यार, ठीक है। तो संपर्क द्वारा बाई कॉन्टेक्ट इसमें क्या होगा कि कोई स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में कोई संक्रमित व्यक्ति आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है कि सॉइल से, जो मृदा होता है, मृदा किसको बोलते हैं यार, सॉइल को, तो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने से, देखो एक एक तुम्हारा जो मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी सॉइल में ना मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, एक मुट्ठी सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोन्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर तुम सॉइल के कॉन्टेक्ट में आते हो तो उससे भी तुम्हें बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या है, मृदा के संपर्क के द्वारा, मृदा के संपर्क के द्वारा, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलोगे, बाई कॉन्टेक्ट विथ सॉइल, बाई कॉन्टेक्ट विथ सॉइल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड मेथड क्या हो सकता है यार, कि ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर, किसके, ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर, सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा या वायु द्वारा, किससे, सिंपल सा लिखो यार, वायु द्वारा, बाई एयर, एयर के वजह से भी, एयर के वजह से भी हो सकता है। सपोज करो कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, जैसे तुम संक्रमित व्यक्ति हो जो देख रहे हो, ठीक है, मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ, तुम मेरे पास हो और तुमने क्या है, छींक दिया, खांस दिया, थूक दिया, बात करते समय क्या है कि तुम सामने हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने क्या किया, छींक दिया, खांस दिया, थूक दिया, अब उससे क्या है, और तुम क्या हो, संक्रमित व्यक्ति हो, तो संक्रमित व्यक्ति के मुख से निकले सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा भी क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष संक्रमण हो सकता है। क्या बोला मैंने, कि संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा भी प्रत्यक्ष संक्रमण हो सकता है, सूक्ष्म बिंदुओं बोले तो एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है, कि कुत्ता काट लिया तुमको, डॉग काट लिया, तुम डॉग को मारने गए, वो तुमको काट लिया, तो किसी जंतु द्वारा काटने से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। अब वो जानवर जरूरी नहीं कि कुत्ता ही, वो मच्छर भी हो सकता है, और जो तुम्हारे खटिया में खटमल होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। और मजे की बात क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि माँ के गर्भ से भी हो सकता है। मान लो कोई बेबी क्या है कि, एक सेकेंड, कोई मदर इन्फेक्शियस है, तो उससे क्या हो सकता है, उसके बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कि रक्तदान द्वारा, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के वजह से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, रक्तदान, क्या बोलते हैं, रक्ता धान, ठीक है। तो रक्ता धान के द्वारा भी प्रत्यक्ष संक्रमण हो सकता है। तो मैंने अभी आपको मेथड्स बताया कि किन किन के वजह से ये प्रत्यक्ष संक्रमण या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हमने क्या देख लिया यार, प्रत्यक्ष संक्रमण देख लिया, बोले तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमने देख लिया। दूसरा हमें क्या देखना है यार, परोक्ष संचारण, क्या देखना है, परोक्ष संचारण। दूसरा क्या है हमारा, परोक्ष संचारण, इंग्लिश में बोले तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्या, इनडायरेक्ट, ओहो, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है यार, इसमें क्या होता है ना, कि
डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं होता है, इसमें बेसिकली किसके वजह से हो सकता है, वेक्टर्स के वजह से। वेक्टर किसको बोलते हैं, वाहक को। बोर्ड से पढ़ाने का ही घाटा यार, आँख में जा रहा है। चलो तो क्या बोल रहे हैं हम कि वेक्टर के थ्रू फैल सकता है। वेक्टर कौन से हो सकते हैं, वाहक कौन से हो सकते हैं, पहला ही किससे, पहला किसके वजह से, वाहक के वजह से, वाहक बोले तो वेक्टर के वजह से। अब ये वेक्टर कौन हो सकते हैं, ये वेक्टर क्या हो सकते हैं यार, कीटाणु हो सकते हैं या फिर किसी अन्य जंतु द्वारा गांगड़ुओं का संचारण हो सकता है। किसका, गांगड़ुओं का संचारण। दूसरा क्या हो सकता है कि संदूषित भोजन व जल द्वारा। तीसरा गंदे हाथों व उंगलियों द्वारा। चौथा किसी का कपड़ा गंदा है, किसी का संदूषित कपड़ा है, खिलौना है, क्रॉकरी है, बर्तन है, दरवाजे हैं, कंघी है, नल है, हैंडल हो गया कल का, मतलब जितने भी औजार हैं उनके वजह से भी हो सकता है। कौन सा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा क्या हो सकता है, एरोसोल के वजह से हो सकता है, स्प्रे की वजह से हो सकता है, धुआं की वजह से हो सकता है, मिट्टी की वजह से हो सकता है, और वाहनों के धुआं के वजह से भी ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। एक वर्ड आता है यार, एक वर्ड बहुत बार तुमको सुनने को मिलेगा। कौन सा वर्ड, एक वर्ड सुनने को मिलेगा तुमको, क्या, रोगजनकता। रोगजनकता क्या वर्ड सुनने को मिलेगा तुमको, रोगजनकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैथोजिनेसिटी। क्या सुनने मिलेगा, रोगजनकता। ये रोगजनकता का क्या मतलब है यार, रोगजनकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैथोजेनोसिटी, पैथोजेनोसिटी बोलते हैं किसको, रोगजनकता को। ये क्या है, रोगजनक जीव द्वारा शरीर में उत्पन्न विकारों के निम्न कारण है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन याद आया यार एक, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा। देखो ये पैथोजेनोसिटी का मतलब क्या है, रोगजनकता का मतलब क्या है, कि हमारे बॉडी में जो रोगजनक जीव है उनके द्वारा शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है यार, पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि परपोषी के शरीर में विषैल पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न कर दें। जो जीव है, जो रोगजनक है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी में विषैले पदार्थ को परपोष कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है यार, कि रुधिर कणिकाओं या अन्य किसी ऊतक का क्षतिग्रस्त हो जाना। तीसरा क्या हो सकता है कि परिपोषी के भोजन के उपयोग द्वारा। ये सब चीज़ें क्या हैं, पैथोजिनोसिटी है, क्या है, रोगजनकता है। रोगजनकता में बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है कि रोगजनक जीव द्वारा शरीर में कैसे कैसे विकार उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है यार कि ये जो तुम डिजीज फैला रहे हो, पूरा फैलाए जा रहे हो, इसका कुछ कंट्रोल वगैरह है कि नहीं, ऐसा कुछ है जिसके वजह से हम क्या इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो यार, ये जो संक्रामक रोग होते हैं ना, ये छुआछूत वाले रोग होते हैं। भाई दूर हटो यार, तुमको ये हुआ है, दूर हटो, तुमको खांसी है, दूर से खांसो, मुंह पे हाथ रख के खांसो, रुमाल रख के खांसो, बोलते हो ना। तो ये जो संक्रामक रोग है, ये क्या है, छुआछूत वाले रोग है, जो कि शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस हमारे लिए क्या है, एक महामारी है, और एक तरह का कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। तो कोई भी आपके आस पास छींके खांसे, उसको बोलो दूर हटो। अगर खांसना है तो क्या है, रुमाल लेके खांसो, या फिर ऐसे खांसो, ऐसे नहीं खांसना है, ऐसे खांसना है, ठीक है, खांसना ही नहीं है किसी के सामने, तो खांसना ही नहीं है, खांसी आ रहा है तो थोड़ा हटके खांसो, ठीक। इसीलिए क्या है कि इसका नियंत्रण और निवारण आवश्यक है। ऐसे बीमारी के लिए क्या है कि नियंत्रण और निवारण आवश्यक है। पहले लोगों का विश्वास क्या था कि ये रोग प्रेतात्मतों से फैलते हैं, कैसे, प्रेतमाओं से फैलते हैं। पहले लोगों का क्या कहना था कि ये प्रेतमात्माओं से फैलते हैं, जादू टोना होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि पहले लोगों का क्या सुना था कि ये सब क्या होता है, जादू टोना होता है। आज भी अनेक लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन अब मनुष्य को इनके कारण का क्या है, उपाय लगाना होगा, आखिर इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों से बचने के लिए दो तीन ब्रांचेज हैं, पैरासिटोलॉजी, जिसको परजीवी विज्ञान वगैरह भी बोलते हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, आज हमारा था इंट्रोडक्शन लेक्चर, लेकिन अगले लेक्चर सारे के सारे 1 आवर के आएंगे, और कोशिश करेंगे हम कि 6 से 7 दिन के अंदर आपका ये स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में जाएं, हमें बताएं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं आप, उसका भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।